हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरटी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो बायो का। दोस्त, आप लोग तो जानते हो कि अब एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हम खाली इस वीडियो पर पूरा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड होगा जो आपको एग्जाम में आने वाले एग्जाम में आप लोगों को फ़ायदा करेगा। इसलिए गलती से भी वीडियो को मिस नहीं करना है। वीडियो को शुरू से अंत तक स्टार्ट की तो फिनिश भी कीजिए, कुछ ना कुछ वीडियो में सीखने को मिलेगा आप लोग को। इसलिए आप चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है, तो कल के वीडियो से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला आपसे क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, मतलब हमें ये बताना है दोस्त। पादप मतलब पौधा, तो पौधा में जाइलम का उत्तरदायी मतलब वो कौन सा कार्य करता है, जो ये जाइलम है पौधे में क्या काम करता है, यही हमें बताएं। उत्तरदायी मतलब काम करने वाला, किस चीज़ का काम करता है। पहला दिया है जल का संवहन, मतलब जल को ढोने का, संवहन मतलब ढोना। फिर दे भोजन का संवहन, भोजन को मतलब विभिन्न भागों में पहुंचाना। ठीक है, फिर दे दोस्त अमीनो अम्ल का संवहन, और डी में दे रखा है इनमें से नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए दोस्त, हमने कल के वीडियो में बताया था कि जो जाइलम है वो जल का संवहन करता है, लेकिन जो फ्लोएम है वो भोजन का संवहन करता है। ठीक है, हमने भी ट्रिक से बताया था कि देखिए, जस से जाइलम और जस से जल दोनों मिला कि नहीं, जस से जाइलम और जस से जल, और फ्लोएम पूछेगा तो भोजन, जाइलम पूछेगा तो जल का संवहन करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा जल का संवहन करता है, जल का संवहन करता है। आप लोगों को वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, कुछ ना कुछ आप लोगों को मिलेगा जरूर। और ये सब जितना भी मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा है वो बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। ठीक है दोस्त, फिर दिया है दोस्त प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, जब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो बताना है कि ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है मतलब ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होता है ना, बाहर निकलना या निकलना या मुक्त होना, बात सेम है दोस्त। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है या मुक्त होता है, आपको क्वेश्चन ये भी दे सकता है। से गलती से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसका ध्यान से उत्तर देना है। और एक बात दोस्त, जितना आप लोगों को क्वेश्चन सबसे पहले आ रहे हैं आप लोगों को उस क्वेश्चन को गोला करना है, जो क्वेश्चन डाउट है उसको थोड़ा बाद में हल करना। ठीक है, ये एग्जाम में किया जाता है, इजन की नहीं आ रहा है डाउट है तो वहीं रंग दे, नहीं गलती से नहीं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे पहले उसी को हम लोग कलर करना है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन है वो मतलब O2 वो कहाँ से निकलता है। ठीक है, पहला दिया है जल से, फिर दिया है CO2, या CO2 का मतलब दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड, फिर दिए ग्लूकोज C6H12O6, और डी में दे रखा है इनमें से नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्त, तो इसका राइट आंसर होगा जब जब पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, तब तब राइट आंसर होगा जल से निकलता है। ओके, तो राइट आंसर होगा जल से। अच्छा, दोनों का यही हुआ लगता है, सब का यही होगा। अच्छा, कुछ लोग फिर तीन नंबर में बोला कि इथाइल अल्कोहल। देखिए दोस्त, अगर आपको एग्जाम हो गया तो फिर जो मतलब इन साल सब एग्जाम में पास हो गए, फिर ये चैनल आप लोगों को केमिस्ट्री में या मैथ का आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने देगा। यहाँ देखिए इथाइल अल्कोहल या एथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, इथाइल मतलब मेथ एथ दो नंबर पर आता है, तो निकालिएगा तो C2H5 आ जाएगा, C2H5। जब जब अल्कोहल होता है, अल्कोहल जब जब होता है तब हम लोग OH जोड़ते हैं, तो एल्कोहल एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया C2H5OH, ये भी दे सकता है। बिहार बोर्ड एक ही क्वेश्चन कई बार घुमा कर पूछता है, तो ये भी दे सकता है या हिंदी में भी दे सकता है इथाइल अल्कोहल, नो डाउट। तो यहाँ से आप लोगों को सीखने को मैं, और ये भी पूछता है कि जो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि अल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या है, OH, CH, CHO, COOH या O, तो अल्कोहल का OH होता है क्रियाशील समूह। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को दोनों को बात क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लोग बताना है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, श्वसन तो दो ही पढ़ोगे, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ठीक है, अब बायोलॉजी में पढ़ोगे, तो बताना है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। ए में दी है वायवीय श्वसन, वायवीय, बी में दी है अवायवीय
सी में दे रखा है ई एंड बी दोनों, मतलब वाइवियस ऑप्शन और ऑब्वियस ऑप्शन दोनों, और डी में दिए नॉन ऑफ दीज, मतलब बोल दे कि हम कुछ भी नहीं रखेंगे। अच्छा जी, ये बोल दिया तो दूसरा इसका राइट आंसर होगा इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से मिलता है, तो इथाइल अल्कोहल ओवाइवियस श्वसन के बल मानता है, तो राइट आंसर होगा ओवाइवियस श्वसन, ओवाइवी श्वसन, नो डाउट। फिर दिए दोस्त रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, मतलब जो हम लोग का ब्लड है, ब्लड मतलब खून, रक्त जिसको बोल सकते हैं, तो रक्त में आयरन, आयरन मतलब लोहा, आयरन मतलब लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो बताना है ए नंबर पर टीबी, ए नंबर बोला टीबी, अच्छा बी, बी नंबर बोला मधुमेह, मधुमेह, अच्छा सी दिया एनीमिया, और डी में दिया उच्च एवं चाप, उच्च एवं चाप ये तो होगा भी नहीं, टीबी तो होगा नहीं, ये दोनों बच्चा मधुमेह और एनीमिया, टीबी तो नहीं होता है रक्त की कमी से, एनीमिया और मधुमेह, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, और क्या बच्चा एनीमिया। आज सब लोग को लाइफ में याद रखना होगा दोस्त, जब जब पूछेगा रक्त में आयरन की कमी से मतलब लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है, तब तो बताना है एनीमिया, ठीक है। यहाँ आयरन के ना जोकर लोहा भी दे सकता है, थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता है बिहार बट, ठीक है। आप लोगों को मैं बताना, ये चैनल पर बहुत ही चीज़ सिखाएगी, इसलिए चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी को दबा दें और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। फिर दे दोस्त कुटपाद किस में पाया जाता है, ये कुटपाद किस में पाया जाता है जी, ये बोला पैरामीशियम, ये बोला पैरामीशियम, अच्छा बी बोला ओमीबा, बी बोला जी हम अमीबा, सी बोला यूग्लिना, यह क्या दोस्त यूग्लिना, और डी बोला नॉन ऑफ दीज, बी बोला नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। दोस्त मैं बता दूं जो ये कुटपाद है, ये कुटपाद अमीबा द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो अमीबा है इसका आकार निश्चित नहीं होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर भोजन है तो भोजन को कैसे भी करके घिर घिर कर रहा हूँ और भोजन ग्रहण कर लेती है ना, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। अगर भोजन को देती है कैसे भी करके भोजन ग्रहण कर देती है अपने चित्र बनाकर, ठीक है। दोस्तों हमको यहाँ से क्या सीखने के बाद कि कुटपात किस में पाया जाता है, तो कुटपात अमीबा में पाया जाता है, किस में पाया जाता है अमीबा में, नो डाउट। और एक नंबर सिक्स नंबर बचा रक्त क्या है, हम लोग अब बता रहे हैं कि रक्त क्या है, मतलब खून क्या है, कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है, और डी में दे इनमें से कोई नहीं, मतलब एनओटी मतलब कोई नहीं, ठीक है दोस्त। तो देखिए रक्त क्या है, मतलब बताना है रक्त क्या है, कोशिका नहीं है, पदार्थ भी नहीं है, क्या है, उत्तक है। तो ये भी कुछ ध्यान से आप लोग देखना है, रक्त क्या है, कब देते हैं कि कोशिका है, संयोजी उत्तक है, पदार्थ है, और नॉन ऑफ दी, देखो उत्तक दिया तो भी टिक करना है, संयोजी उत्तक भी है तब भी टिक करना है, ठीक है आप लोगों। तो यहाँ पर होगा उत्तक, रक्त क्या है, उत्तक है, ठीक है। तो इतना को इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो आप लिखा हो तो लिख लीजिए अच्छा से, फिर हम लोग और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, जितना पढ़ाया जा रहा उतना ही पढ़िए, आप लोगों को एग्जाम आते आते सारा बायो का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्त ऑस्टोमाटा, ऑस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, जो ऑस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, ठीक है। पहला में दिए तना, बी में दिए दोस्त पत्ती, सी में दिए हैं जड़ जड़, और डी में दे रखा है इन्होंने नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ से मैं बता दूँ कि जो ऑस्टोमाटा पौधा है किस भाग में पाया जाता है, तो ये पत्ती में पाया जाता है, पत्ती जो देखेंगे ना, जो किसी भी चीज़ का पत्ती लेंगे वो थोड़ा पतला पतला लेकर वहाँ से लाइन निकले रहेगा, लाइन अगर आप नीम के पत्ती लोगे तो देखिए छोटा छोटा छिद्र रहता है ना, ये पत्ती में पाया जाता है दोस्त। इधर राइट आंसर होगा ऑस्टोमाटा पौधे किस भाग में पाया जाता है, तो पत्ती में पाया जाता है, ठीक है। फिर अगला दिए हैं एट नंबर, जो खुला परिसंचरण तंत्र, मतलब एकदम खुला परिसंचरण तंत्र, मतलब उसका बनावट एकदम खुला तंत्र किस में पाया जाता है, मनुष्य में, हम लोग में खुला परिसंचरण तो नहीं, हम लोग को बंद है इसमें, ये मेरा हाथ है, हाथ क्या है सरल से बंधा हुआ है, इसमें अंदर भी क्या है मांसपेशियां हैं, हड्डी है, क्या खुला नहीं है। फिर देखिए काक्रोच, काक्रोच, फिर सी में दिया घोड़ा, घोड़ा में भी होता है,
और डी में दे ऊंट, ऊंट। तो इसका खुला परिसंचरण किसमें जाते हैं तो काकरोच को बोलते हैं। काकरोच हमें लगते हैं ये तिलचट्टा आप देखेंगे उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है दोस्त, तो राइट आंसर होगा काकरोच। ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है। ठीक है, तो रिवीजन में क्या है, डिवीजन है। क्लोरोफिल, ये तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। नहीं, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, जो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा, नीला, लाल, सफेद। ये तो कोई भी देखकर बता देगा, छोटा बच्चा भी बता देगा कि इसका रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल पत्ती का रंग कैसा होता है, हरा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हरा, हरा होगा। और ये भी क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, जो क्लोरोफिल वर्णक जो हरा होता है वो किसके कारण लाल मतलब हरा होता है, ये आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वर्णक के कारण ये हरा दिखाई देता है। ठीक है दोस्त, फिर दे रहा है दस नंबर में, दस नंबर में क्या दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, ये मैं बोला रात में। तो रात में तो हम तो नहीं देखे सूरज भगवान उगते हैं, रात में तो चंद्रमा उगते हैं, दिन में। अच्छा जी, दिन में, फिर रात और दिन में भी प्रकाश संश्लेषण क्यों होते हैं। और डी में देखा है शाम सुबह, शाम सुबह। अच्छा, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये तो सोचना पड़ेगा ना कब होता है जी। तो दोस्त प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, ये भी तो आप तो बता दोगे। बायो में जो दाजत को याद करना होगा, बायो में क्या है याद करना होगा, और कुछ तो टॉपिक है जो समझना है। लेकिन तो बायो एक ऐसा सब्जेक्ट जो मतलब याद करने वाला है, समझने वाला। ये तो दोनों तो आप लोगों को समझ, ये तो नेचर से आप तो देख लेंगे नेचर में कि भाई प्रकाश संश्लेषण कब होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, ये तो बता सकते। फिर 11 नंबर दिया है दोस्त, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। जो पत्ती देखोगे ना, पत्ता, किसी चीज का पत्ता ले लेंगे आप, तो उसमें गैसों का आदान प्रदान मतलब आना और जाना, आदान प्रदान वही ना हुआ, होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके कारण होता है, फल में जैसे सीरा, सीरा। फिर बी बोला रंध्र, बी बोला रंध्र। फिर सी में दिया सीरा, रंध्र, और टी में दे रखा है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो दोस्त जो आप पत्ती लेंगे उसमें छिद्र रहता है, जिसमें आप छिद्र होता है, छिद्र देखेंगे ना, उसमें जो छिद्र होता है उसमें से पतला पतला करके किसी नीम का जैसे पाता लेंगे आप, उसमें ज़्यादातर छिद्र होता है, उसमें वही छिद्र वही रंध्र है, इसी के चलते गैसों का आदान प्रदान होता है छिद्र द्वारा। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा कौन, रंध्र होगा। कौन होगा, रंध्र होगा। दोस्त ये रहा आप लोगों का आज 11 क्वेश्चन रहा बायो का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इतना आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, कुछ ना कुछ मिलेगा इसमें से। जितना भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, एक हम है और एक और दोस्त हैं, जितना भी हम लोग पढ़ा रहे हैं उसमें से ज़्यादा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मतलब पूछेगा ही पूछे, गारंटी हम लोगों। ये बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड क्या है, एक तो पढ़ाई नहीं हुआ आप लोगों का, एक चलते आप लोगों का मतलब जो सिलेबस है वो चेंज हो गया, मतलब ऑब्जेक्टिव था दोगुना हुआ, ये तो बात है। लेकिन CBSE का जो पैटर्न वो मई में एग्जाम होगा, लेकिन आप लोगों का फरवरी में, तो फरवरी में होगा। तो आज से यहाँ से आप लोगों को नेचर भी ऐसा मौका देगी, तो बैठना नहीं है, लगातार काम करना है, कुछ बनना है तो, इतिहास रचना है तो। ठीक है, तो इतना रहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो मैं बार बार कहता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, जितने भी दोस्त हैं आप लोग उसको शेयर कीजिए, क्योंकि एक से भले दो। एक फिल्म देखेंगे कि उस फिल्म का नाम क्या है, जय हिंद, जय हिंद में उसमें बताया गया कि तीन, अगर कोई आप एक उसमें क्या करता है, एक औरत एक बच्ची का मदद कर देती है, वो बच्ची बोलती है कि थैंक्स के बदले आप किसी तीन और लोगों की मदद करना, तो आप हम कि हम आपसे हमसे पढ़े तो आप किसी और लोगों की मदद कीजिए, यही वो ऐसे वो हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, तो आप तो मेरे लिए एक काम कर सकते हैं, चैनल पर आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।